Good morning everyone. Today we will start chapter number 15, types of question in modern grammar. Open your page number 54. Last lecture में हमने types of question में double wedge question, framing double wedge question, yes and no question and question tag के बारे में देखा था. और आज question tag में जो हमारा incomplete था सेकंड पॉइंट पेज नंबर 54 पर वो हम लर्न करते हैं. सेकंड पॉइंट देखो आप 54 पर. इफ द एफर्मेटिव सेंटेंस बिगिन विद आई एम द क्वेश्चन टैग इज आरंट आई. आपको यहाँ कहा गया है इस सेंटेंस के में जब भी आपका सेंटेंस एफर्मेटिव होता है यानी कि आप देख रहे हो आई एम ट्राइंग टू हरी मैं जल्दी करने की ट्राई करता हूँ. तो यहाँ आपको देख रहे हो आपको पता लग रहा है कि जब भी आपका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका आपको यूज करना है और आफ्टर आपको प्रोनाउन का यूज करना है. तो और दूसरा रोल्स ये है हमारा कि जब भी हमारा सेंटेंस वो अफर्मेटिव होता है तो हमारा आंसर नेगेटिव होता है और जब भी हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हमारा आंसर एफर्मेटिव होता है. लेकिन इसमें चेंज क्या है जो हमारे रोल्स में हमें दिया गया है कि जब भी हमारा बिगिंस विद आई एम जब भी हमारा सेंटेंस आई एम से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन टैग में एमंट नहीं करना है. एम का एमंट करते हो आप तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा. एम का क्या हो जाता है यहाँ पे आर और आर का नेगेटिव आर वन और आपको यहाँ सब्जेक्ट के फॉर्म में प्रोनाउन दिया गया है आई तो आरंट आई ऐसे आपको क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन बनाना है. सेकंड आपका जो लास्ट रूल्स है जिसमें वो इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आर्गुमेंट वाक्य जिसमें हम क्या करते हैं सामने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कि साइलेंस प्लीज प्लीज कीप क्वाइट उसको हम जो ऑर्डर करते हैं यानी कि कमांड देते हैं तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस. द क्वेश्चन टैग आर विद यू वॉन्ट यू सेल बी एक्सेट्रा. तो उसका क्वेश्चन टैग आपका कैसे बनता है तो वो आपको वर्ड दिए गए हैं कि विल यू से बनता है वॉन्ट यू से बनता है एंड सेल बी एक्सेट्रा से आप अपना सेंटेंस बना सकते हो. तो फर्स्ट आप एग्जाम्पल इसमें देख रहे हो कीप क्वाइट क्या कहा गया है आपको कीप क्वाइट लास्ट में आपको मैं दी गई है तो कीप क्वाइट यानी कि आप शांति रखिए क्या कहा गया आप शांति रखिए. तो ये जो सेंटेंस है वो आपको उसका क्या करना है तो इसमें आप लिख सकते हो विल यू क्योंकि सामने वाले पर्सन को कहा है कि तुम शांति रखो तो इसमें प्रोनाउन यूज किया है यू और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज किया गया है विल. नेक्स्ट है उसमें हरी अप ये जल्दी करो उसका हो जाता है वॉन्ट यू सामने वाले को कहा गया इसलिए भी उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है यू. एंड थर्ड लेट्स एंजॉय अवर सेल्व ब्लैंक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आप यूज करते हो सेल्व या भी हम कोई भी यूज कर सकते हैं लेकिन इसमें हमने यूज किया है सेल्फ क्यों क्योंकि हमारा रूल है आई एंड वी के साथ हम यूज करते हैं सेल्फ और दूसरे प्रोनाउन है ही सी इट यू एंड दे ये सभी के साथ हम यूज करते हैं विल. तो यहां हमें पता होना चाहिए कि लेट्स लेट्स का मतलब क्या लेट अस तो अस का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है हमें पता होना चाहिए वी है वो हमारा सब्जेक्ट है अस है वो हमारा ऑब्जेक्ट है तो अस का सब्जेक्ट हो जाता है वी तो हमें पता होना चाहिए कि लेट्स लिखा है तो यहाँ वी का यूज हुआ इसके लिए हम लिखते हैं सेल वी. ओके तो यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें ये थ्री जो वर्ड्स दिए गए क्वेश्चन टैग के
ऑलवेज हमें उसका यूज करना है। अब यहाँ पे जो हमारे रूल्स थे वो कंप्लीट होते हैं, अब एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। फर्स्ट एक्सरसाइज, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड फ्रॉम दोस गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट्स में जो भी क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं उस क्वेश्चन वर्ड का करेक्ट फॉर्म में यूज करके आपको ब्लैंक फिल अप करनी है। तो एक्सरसाइज नंबर वन, एक्सरसाइज नंबर वन किससे स्टार्ट होगी, तो ये है डब्ल्यू एच वर्ड और एच ओ डब्ल्यू वाले जो हमारा जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सरसाइज वन दी गई है। यहाँ पे एक्सरसाइज वन जिसमें फर्स्ट ब्लैंक ब्रॉक दिस विंडो, तो आपको ब्रैकेट में दिया गया है हु एंड विच, तो किसने ये जो विंडो है ब्रॉक की, तो कोई पर्सन का नेम होगा। तो जब भी कोई पर्सन का नेम हम लेते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है तब यूज करना है हमें हु। तो फर्स्ट में आपका आंसर आ जाएगा हु। सेकंड ब्लैंक आर यू गोइंग फॉर योर स्कूल पिकनिक, तुम कब, यानी कि यहाँ पे टाइम पूछा गया है कि तुम लोग कब तुम्हारे स्कूल पिकनिक में जा रहे हो, तो व्हेन एंड व्हिच, तो हमें पता है कि व्हेन है वो टाइम डिस्क्राइब करता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे सेकंड में व्हेन। थर्ड ब्लैंक इज योर ब्रदर्स हेल्थ नाउ, तो व्हाई इज अ डिस्क्राइब करता है, हाउ का मीनिंग कैसे, ठीक है, उसकी जो कुछ तबीयत के बारे में यहाँ पूछा गया है कि ब्लैंक इज योर ब्रदर्स हेल्थ नाउ, तुम्हारे भाई की हेल्थ अब कैसी है, तो कैसी है उसके बारे में उसे पूछना है, तो कैसी ऐसा पूछने के लिए यूज करते हैं हम हाउ। यहाँ पे व्हाई का यूज नहीं होता क्योंकि व्हाई है वो रीजन डिस्क्राइब करता है इसीलिए। नेक्स्ट है ब्लैंक आर यू पैकिंग योर बैग, तो आप देख रहे हो व्हाट एंड व्हाई, आप अपनी बैग क्यों पैक कर रहे हो, उसका रीजन क्या है, यहाँ रीजन पूछा गया है, रीजन पूछा गया होता है तब हमारा सेंटेंस व्हाई से स्टार्ट होता है, तो आंसर हो गया व्हाई आर यू पैकिंग योर बैग, इसमें आंसर आएगा व्हाई। नेक्स्ट When did you see when you went on the trip? तुम आपकी ट्रिप कर आप गए थे तब what did you see? तुमने वहाँ पे क्या देखा था? उसने किसको देखा था? किसके लिए? यानी कि उसकी यहाँ पे authorship नहीं। जब authorship होती है तब हमें whose का यूज करना है और इसमें information पूछी है कि उसने क्या देखा था उसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पे what। ब्रैकेट में आपको टू वर्ड दिया गया है व्हाट एंड हुज, तो करेक्ट आंसर है व्हाट डिड यू सी व्हेन यू वेंट ऑन द ट्रिप। सिक्स ब्लैंक हाउस विल यू लिव इन, ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए गए हैं क्वेश्चन वर्ड हु एंड व्हिच, तो हु है वो पर्सन बताता है और व्हिच है वो आपकी पसंद है आपको। विच हाउस विल यू लिव इन, तुम किस हाउस में रहने वाले हो, यानी कि बिग या फिर स्मॉल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल या फिर बहुत ही अच्छा है ऐसा, तो जब भी उसको कैसे हाउस में ऐसा पूछा गया होता है उसके लिए यूज किया जाता है विच, तो आंसर हो जाएगा आपका विच हाउस विल यू लिव इन। नेक्स्ट है ब्लैंक शूज आर यू वियरिंग, यहाँ पे शूज की बात की गई, तो हमने देखा था जब भी कोई थिंग्स के या फिर पर्सन के ऊपर हमारी कोई बिलोंगिंग्स होती है या फिर हमारी ऑथरशिप होती है तब तो हम हुज का यूज करते हैं, तो यहाँ कहा गया है हुज शूज आर यू वियरिंग, तुमने किसके शूज है वो पहन रखे थे, तो उसमें क्या कहा गया है उसके या फिर कोई दूसरे के, तो जब भी उसकी ऑथरशिप यहाँ पे पूछी गई होती है तब हमें यूज करना है हुज,
हु यहाँ पे रॉन्ग आंसर है, तो कि हु से हमें पर्सन का नहीं पता चलता है। आंसर हो जाएगा हुज यंग यू रियली। नेक्स्ट, ब्लैक ईट डे गो आफ्टर लंच। ब्रैकेट में आपके वो टू क्वेश्चन वर्ड दिए हैं वेयर एंड व्हिच। तो वेयर प्लेस डिस्क्राइब करता है, आपको कहा गया है कि वेयर डिड यू गो आफ्टर लंच, आप लंच के बाद कहाँ जाने वाले हो, तो आपको प्लेस डिस्क्राइब करनी है कि लंच के बाद आप हाउस पर जाने वाले हो या फिर मार्केट में जाने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो। तो जब भी आपको प्लेस डिस्क्राइब करनी होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, तो आंसर आ जाता है वेयर। Where did you, did they go after lunch? Next है, For whom are you planning to what? Whom में ऐसा रूल्स है कि वो मोस्ट ऑफ उसका जो सेंटेंस है वो फोर से स्टार्ट होता है। तो फोर से स्टार्ट होता है तब हमें पता चल जाता है कि whom इस आंसर में आता होगा। For whom are you planning to what? Whose, तो हमें पता है whose belonging किस से पड़ता है और whom है वो पर्सन के बारे में। तुम किसके साथ what की planning कर रहे हो, तो for answer हो जाएगा इसमें whom। किसके साथ, and next, black soul we pay for this clothes which, यानी कि कौन सा और how much यानी कि कितने। तो आपको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि विच हाउ मच कब यूज किया जाता है। तो जब भी हमें कोई थिंग्स का पेमेंट करना होता है वो इसके बारे में हम सामने वाले को इंफॉर्मेशन पूछते हैं, तो उसके लिए हमें हाउ मच यूज करना है। हाउ मच शुड वी पे फॉर दिस क्लोथिस, तुम्हें तुमको इस क्लोथिस को कितने रुपए उसके लिए पे करने चाहिए, तो कितने पे करने चाहिए उसके लिए क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे हाउ मच। तो ये थी आपकी डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। अब एक्सरसाइज नंबर टू, फ्रॉम डब्ल्यूएच क्वेश्चंस टू गेट द अंडरलाइन वर्ड्स एज द आंसर। आपको इसमें क्या करना है, आपको सेंटेंस दिए गए और सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड जिसके नीचे अंडरलाइन की गई और इस वर्ड को आपको रेकोगनाइज करना है और डब्ल्यू एच क्वेश्चन से आपका सेंटेंस स्टार्ट करना है। डब्ल्यू एच या फिर एच ओ डब्ल्यू को आपको समझ लेना है कि कौन सा एच ओ डब्ल्यू से होगा और कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड से होगा। तो इसके लिए आपको ये सभी जो डब्ल्यू एच वर्ड्स है उसके रूल पता होने चाहिए और इसकी जो अंडरलाइन वाले वर्ड्स है वो भी पता होने चाहिए, ये प्लेस है या फिर टाइम है या फिर पर्सन का नेम। तो फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ईगल्स हैव बीन ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड एव इन इजिप्ट। ईगल्स की रिस्पेक्टेड की जाती है कैसे, तो विथ रिस्पेक्ट एंड एव इन इजिप्ट, इजिप्ट में बहुत ही रिस्पेक्ट एंड एव से उसकी ट्रीट की जाती है। तो कैसे ऐसा पूछना है आपको, कैसे ट्रीट की जाती है, तो उसमें आंसर आएगा विथ रिस्पेक्ट एंड एव। ओके, तो जब कैसे आंसर ऐसा पूछते हैं तो वो सेंटेंस हमारा यूज स्टार्ट होता है हाउ से। एक्सरसाइज नंबर टू एंड फर्स्ट सेंटेंस, तो फर्स्ट आपको लिखना है हाउ, सेकंड इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ड आ जाएगा है। आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी डब्ल्यू एस से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट आपका जो डब्ल्यू एच या फिर एच ओ डब्ल्यू वाला जो वर्ड है वो लिखना है, आफ्टर आपको मॉडल ऑक्सिलरी या फिर ऑक्सिलरी वर्ब लिखना है, नेक्स्ट आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ड आता है तो मेन वर्ड, और आफ्टर नेक्स्ट में आपको लिखने हैं अदर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स। तो इस फॉर्म में आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना है। तो फर्स्ट यहाँ पे हाउ है वो आपका डब्ल्यू एच एच ओ डब्ल्यू वर्ड है, प्लस ए है आपका ऑक्सिलरी वर्ड, अब आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका कौन सा है यहाँ पे, ईगल्स बीन
फिर मेन वर्ब आ जाए, मेन वर्ब आपका है यहाँ पे ठीक है। और जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तब आपको अंडरलाइन वाले जो भी वर्ड्स है उनको रिमूव कर देना है, तभी आपका क्वेश्चन है वो सुटेबल फॉर्म के यूज होगा। फिटेड इन इजिप्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क करना भूलना नहीं है, नहीं तो हमारा जो आंसर है इसमें मार्क कट हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही बना है, ऐसे क्वेश्चन मार्क के बिना इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। द गोल्डन ईगल इज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि कौन सा नेशनल बर्ड है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है, तो विच कौन सा, उसके लिए हम यूज करते हैं विच, विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। As soon as she got home, the princess hurried to the bedroom mirror. As soon as got home, यानी कि जैसे ही होम में पहुंचने से princess hurried to the her bedroom mirror. Princess है वो bedroom mirror में वो hurried होकर चली गई। तो as soon as यहाँ पे आपको time दिया गया है, तो when did the princess hurry to her bedroom mirror? उसके घर पहुंचने से उस टाइम तो when से स्टार्ट होगा, when। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको see got home and the princess hurry, ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट टेंस हो गया, तो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है तो आपको क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब डिड का यूज करना है। व्हेन डिड, फिर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट है द प्रिंसेस, हरी का हो जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम डिड का यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब का, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब हमारा वर्ब है वो मेन वर्ब हो जाता है, उसमें वो सेकंड फॉर्म रहता नहीं है। तो यहाँ आपको हरी दिया गया है, तो हरी का आपको क्या करना है, मेन वर्ब करना है, हरी का यहाँ पे हरी हो जाएगा। प्रिंसेस हरी टू हर बेडरूम मिरर, मैंने आपको पहले भी ये रूल बताया था और आज हम फिर से हमें याद करना है कि जब भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तब भी हमारे सेंटेंस में कोई टेंस का चेंज नहीं होता, लेकिन जब हम व्हाट से, व्हेन से या फिर वेयर से हमारा जो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हमें वर्ब को चेंज करना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब ही आता है, कभी उसका सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म रहता है उससे हमें वी वर्ब बनाना है, ये ऑलवेज हमें याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है टोक्ड अवे इन द बैक वाटर्स ऑफ केरला।
टाइम्स एंड 10 इयर्स, तो हाउ मेनी टाइम्स, कितने समय से वो यहाँ रहते हैं। तो मैंने बोला था कि हाउ मेनी जो है आपके रूल्स में नहीं दिया गया, लेकिन हाउ मच ही ओनली दिया गया। तो कई कई बार हाउ मेनी का भी यूज यहाँ पे होता है। तो हाउ मेनी टाइम्स हैड द जर्मन गर्ल हैड बीन इंडिया, वहाँ का सेंटेंस स्टार्ट होगा यहाँ पे हाउ मेनी। यहाँ पे आपको हाउ मेनी के साथ टाइम लिखना है कि कितने समय से। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब हैड, नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे जर्मन गर्ल, उसके साथ यूज करना है बीन टू इंडिया। वो सेंटेंस में से एसिडिस रहेगा और उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट सेंटेंस, डैड सो द ब्यूटीफुल पिक्चर टू द पासिंग ट्रैवलर्स। डैड ने ब्यूटीफुल पिक्चर दिखाया किसको, दी पासिंग ट्रैवलर्स, वहां से जो ट्रैवलर्स पास हो रहे थे उसको। तो किसको दिखाया, तो किसको जब हमें क्वेश्चन करना होता है तो वो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है टू हूम से। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे टू हूम, उसके साथ हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। तो ये है सो, ये हो गया आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस। तो जब भी पास्ट टेंस का सेंटेंस हो जाता है तब ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है यहाँ पे डी, उसके साथ यूज करते हैं डी। नेक्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे डेड, डेड के साथ मेन वर्ब सो दी ब्यूटीफुल पिक्चर। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है सभी सेंटेंस में। नेक्स्ट सेंटेंस, सम रो पेपर्स आर स्पॉइलिंग द रेपुटेशन ऑफ द एंटायर फैमिली। तो सम पेपर्स, तो किसकी बात की गई है, आर स्पॉइलिंग रेपुटेशन ऑफ द एंटायर फैमिली। कौन है जो ऐसा है वो पूरे एंटायर की जो रेपुटेशन है उसको स्पॉइल करते हैं, कौन ऐसा पर्सन है। तो यहाँ पे आपको कहा गया कौन, तो कौन जब ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तब आप अपना सेंटेंस स्टार्ट करते हैं हु से। हु इज स्पॉइलिंग द रेपुटेशन ऑफ द एंटायर फैमिली। इसमें आप देख रहे हो आर से इज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन लेपर्ड की बात की गई है और आपके जो आपको आंसर दिया गया उसमें आपने बहुत सारे लेपर्स प्लूरल फॉर्म में लेपर दिए गए थे। तो जब भी प्लूरल में से हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं तो उसमें हमें कुछ चेंज करने होते हैं, इसलिए आर का हो गया यहाँ पे इस। सेवन सेंटेंस में हु इज, पूरा सेंटेंस ऐसे रहेगा और बस ये भी पता चल होना चाहिए कि उनके साथ यहाँ पे आर नहीं आ, ओके लेपर के लिए वन है इसलिए हु इज, पूरा सेंटेंस एज इट इज स्पॉइलिंग द रेपुटेशन ऑफ द एंटायर फैमिली। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सेंटेंस नंबर 8, एनी फ्रेंड्स फादर वेटेड फॉर हर एट द एंड ऑफ द जर्नी। आपको अंडरलाइन दी गई है यहाँ पे एनी फ्रेंड के नीचे कि एनी फ्रेंड के फादर है वो वेटेड कर रहे थे एंड ऑफ द जर्नी। तो हुज फादर, किसके फादर यहाँ पे कहे थे, किसके फादर, एनी फ्रेंड के फादर। तो किसके, तो उसका उनका फादर के साथ यहाँ पे आपको रिलेशन बताया गया था। जब भी रिलेशन किसी और पर्सन के साथ बताया गया होता है तो उसके लिए हमें यूज करना है हुज। तो एनी फ्रेंड के इंस्टेड ऑफ आपको लगाना है हुज और पूरा सेंटेंस एज इट इज। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हुज फादर वेटेड फॉर हर एट द एंड ऑफ द जर्नी। क्वेश्चन, किसके फादर, तो आंसर में आपको मिलेगा एनीस फादर, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, बेटर ब्रीदिंग
यानी कि बहुत ही बेटर ब्रीदिंग हैबिट्स है, बहुत ही अच्छा जो ब्रीदिंग की आपकी हैबिट है, तो उससे आपकी इलनेस में रिलीफ होगा, यानी कि आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। तो कैसी हैबिट्स होनी चाहिए, तो व्हाट रिलीज मैनी इलनेस, कैसा आप करेंगे जिससे आपको रिलैक्स मिलेगा, तो बेटर ब्रीदिंग हैबिट्स करने से, किस कैसा करने से, तो उसके लिए आप यूज करते हैं WH वर्ड्स यहाँ पे, व्हाट व्हाट रिलीज मैनी इलनेस। लास्ट में क्वेश्चन नेक्स्ट है, वी नीड फ्रेंड्स, हमें ऐसे फ्रेंड की जरूरत है टू लाफ टॉक शेयर एंड अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। तो हमें फ्रेंड्स की क्यों नीड है, तो क्यों नीड है उसने रीजन बताया गया है, उनके साथ लाफ करने के लिए, टॉकिंग करने के लिए, शेयरिंग करने के लिए एंड फीलिंग्स है वो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फ्रेंड्स की जरूरत है। तो उसमें आपको रीजन बताया गया है कि वी नीड फ्रेंड्स, क्योंकि लाफ टॉक शेयर एंड अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। तो जब भी रीजन आपको बताया गया होता है तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है व्हाई से, तो व्हाई अब आप देख रहे हैं सेंटेंस में वी नीड फ्रेंड्स, तो वी सब्जेक्ट है, नीड उसके साथ आपको दिया गया है बीइंग वन, तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम टू हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं, फर्स्ट है डू एंड सेकंड है यहाँ पे डस, तो वी के साथ हमें पता है कि वी यू एंड दे के साथ यूज करते हैं डू, तो इसमें आपका व्हाई के साथ यूज होगा हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट आपका वी, मेन वर्ब नीड एंड फ्रेंड्स। तो आपका यहाँ पे डबल एच वर्ड का क्वेश्चन हो गया, व्हाई डू वी नीड फ्रेंड्स, हमें किस लिए फ्रेंड की नीड है, ठीक है। तो ये क्या आपकी एक्सरसाइज नंबर टू, जिसमें आपने डबल एच और एच ओ डबल यू का यूज किया। अब एक्सरसाइज नंबर थ्री, फ्रेम फाइव क्वेश्चंस व्हिच रिक्वायर ओनली अ यस और नो एज द आंसर। आपको क्या करना है, तो आपको फाइव क्वेश्चन है जो आपको खुद अपने आप को ही फ्रेम करना है, जिसका आंसर आप ओनली यस और नो में दे सकते हो। तो हम लिखते हैं ऐसे फाइव सेंटेंस, फर्स्ट लिखते हैं एक्सरसाइज नंबर थ्री में, फर्स्ट में लिखते हैं डू यू वॉन्ट टू गो फॉर द पिकनिक, तो ये वन वर्ड्स में हमने सेंटेंस बनाया है कि क्या आपको पिकनिक जाना अच्छा लगता है, क्या आप चाहते हो क्या पिकनिक जाओ, तो ऐसा हमने क्वेश्चन किया। तो जब इसका आंसर हम यस एंड नो दोनों में दे सकते हैं, जैसे कि यस आई डू, नो आई डोंट, हाँ आप चाहते हो तो आपको लिखना है यू का हो जाता है यहाँ पे आई, क्योंकि आपको पूछा गया है सेकंड पर्सन, लेकिन आंसर आप फर्स्ट पर्सन देंगे कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ और नो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो यस आई डू, नो आई डोंट, ओके इसका आंसर ऐसे हो जाएगा। सेकंड है विल यू कॉल मी आफ्टर नाइट आवर, क्या तुम मुझे एक घंटे के बाद मुझे कॉल करोगे, तो उसने क्वेश्चन किया है तो आंसर देते दे यहाँ पे यस आई विल, यहाँ पे क्या हो जाएगा यस आई विल, नो आई वॉन्ट, विल का हो जाता है यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है वॉन्ट, तो वो आंसर आपको क्वेश्चन में देना है।
Third isn't that rainbow beautiful? क्या वहां पे रेनबो ब्यूटीफुल नहीं है? तो आपको आंसर देना है रेनबो, यानी कि मेघ धनुष होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इट, तो आपका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में यस इट इज। आंसर कैसे देना है आपको? यस इट इज, क्योंकि आपको यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस कहा गया है। इज दैट रेनबो ब्यूटीफुल? क्या रेनबो ब्यूटीफुल नहीं होता? थर्ड फोर्थ सेंटेंस है इज इट रेनिंग नाउ? क्या अभी बारिश हो रही है? तो आप उसे पॉजिटिव में बनाते हैं यस इट इज, इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं नो इट इज़न्ट। फिफ्थ हैज द मेड लेफ्ट? क्या मेड यहां से लेफ्ट हो गया है? तो हम कह सकते हैं यस मेड के लिए यूज करते हैं यहाँ पे ही यस ही हैज नो ही हैज़न्ट। ओके तो ये थी हमारे यस और नो दोनों में जिसमें से हमें रिक्वायरमेंट था कि उसके फॉर्म में हमने क्वेश्चन और वर्ड्स बनाए हैं क्वेश्चन सेंटेंस। ओके अब एक्सरसाइज नंबर 4 एड अ क्वेश्चन टैग। एक्सरसाइज 4 जिसमें आपको क्या करना है क्वेश्चन टैग को ऐड करना है। तो हमने हमारे जो फोर्थ थर्ड रूल था हमारा क्वेश्चन टैग उसमें क्वेश्चन टैग कैसे बनाने हैं वो हमें पता है। फर्स्ट देखते हैं स्नेक विल गो अवे बाय इटसेल्फ। तो फर्स्ट हमें ध्यान रखना है इसमें देखना है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का काम है। तो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट होगा सेकंड आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा। इसमें स्नेक आपका सब्जेक्ट है एंड विल है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। सेकंड हम याद रखना है पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव होगा और नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका आंसर क्वेश्चन टैग में एफर्मेटिव होगा। ओके तो फर्स्ट हम देखते हैं स्नेक विल, तो विल का नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे वांट और स्नेक के लिए यूज करते हैं इट। तो आंसर फर्स्ट में आएगा वांट इट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको दिया है यहाँ पे तो आपको करने की जरूरत नहीं। सेकंड लव गिव्स अस स्ट्रेंथ। लव यानी कि जो प्रेम है वो हमको ताकत देते हैं। तो लव गिव्स ये सेंटेंस हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्यों? क्योंकि इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया गया, आपको मेन वर्ब दिया गया है गिव और फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया है लव। तो लव के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन इट और गिव से वो प्रेजेंट सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही सीके इट के साथ यूज किया जाता है एस या इज। जब भी मेन वर्ब के आपका ऐसा यस होता है तब उसके लिए हम क्वेश्चन टैग के लिए यूज करते हैं डू या फिर डस। तो थर्ड फॉर्म के थर्ड पर्सन की बात है उसके लिए यूज होता है डस। तो गिव्स है तो यहाँ पे हो जाएगा डजन। डस तो यूज करना ही है लेकिन सेंटेंस एफर्मेटिव इसलिए डस का हो गया यहाँ पे डजन। तो लव के लिए यूज किया गया इट तो सेकंड ब्लैंक में आंसर हो जाएगा डजन इट। अब थर्ड ब्लैंक दी हाउस इज वेरी क्वाइट, इसमें तो एकदम इजी है इज तो इसका नेगेटिव होगा यहाँ पे इज है एंड हाउस के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं इट तो आंसर हो गया आपका रिजल्ट इट। फोर्थ नो वन वुड ऑब्जेक्ट टू हेल्पिंग मर्डर। यहाँ ऐसा कोई ऐसा नहीं है जो मर्डर की हेल्पिंग कर सकता हो तो नो वन वुड तो नो वन यहाँ पे उससे पता चलता है आपको नेगेटिव में सेंटेंस दिया गया है आपका यहाँ पे सेंटेंस में वुड के साथ नॉट नहीं लेकिन नो वन ही आपको यहाँ डिस्क्राइब करता है कि सेंटेंस नेगेटिव है तो वुड का एज इट इज फूड रहेगा और कोई
कोई भी ऑब्जेक्ट, नो वन ऑब्जेक्ट, उसके लिए हम यूज करते हैं वो प्लूरल फॉर्म में ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऑब्जेक्ट की बात की गई है तो वुड दे। नेक्स्ट है एवरीवन हैज अ टीवी नाउअडेज। यहाँ पे नाउअडेज यानी इन दिनों में सबके पास टीवी है, तो ये हो गए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं डू या फिर डस। तो यहाँ पे टीवी नाउअडेज और एवरीवन हर पर्सन की बात की गई है, तो हर पर्सन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में, इसके लिए प्रोनाउन यूज होना चाहिए दे, और यहाँ पे दे के साथ यूज करते हैं हम डू। डू का नेगेटिव हो जाएगा डोंट और प्रोनाउन इसमें आएगा दे। सिक्स्थ लैंग योर सिस्टर नेवर गोज फॉर पार्टीज। तुम्हारी सिस्टर को कभी पार्टी में नहीं जाती, तो आपको सिस्टर सब्जेक्ट है, नेवर कभी भी नहीं, और गोज है आपका मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के आफ्टर ईएस लगाया गया, इसलिए सेंटेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिस्टर के लिए यूज होता है यहाँ पे डस। इसका आपको डजंट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि नेवर है वो ही नेगेटिव है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का वर्ड है नेगेटिव, इसलिए डस रहेगा, डजंट नहीं होगा। यहाँ पे डजंट हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। योर सिस्टर की यूज के लिए यूज किया गया यहाँ पे सी, आपका आंसर हो गया डज सी। नेक्स्ट देखते हैं आई एम ऑन माई वे। तो हमें पता है आज ही हमने रोज लर्न किया कि जब भी आई एम होता है तो उसका एमेंट नहीं होता, लेकिन आंसर आ जाता है आरंट, नेगेटिव फॉर्म में आरंट, एंड आई हमारा प्रोनाउन है तो आरंट आई। एट वन विजिट्स अम्यूजमेंट पार्क इन सर्च ऑफ थ्री। वन विजिट्स यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अम्यूजमेंट पार्क को इन सर्च करके थ्री हो जाते हैं, तो ये है आपका वन विजिट। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो उसमें हम यूज करते हैं यहाँ पे डजंट। यहाँ पे आपको दिया गया है वन विजिट, तो वन को यहाँ पे वन ही यूज किया गया है, तो उसके लिए हम इन भी यूज कर सकते हैं डजंट वन। नाइन्थ में देयर आर मेनी पॉइंट्स दैट मेक द बनाना अ हेल्दी ऑप्शन। तो आर का यहाँ पे हो जाएगा आरंट। तो यहाँ जब भी हमें कोई प्रोनाउन नहीं दिया गया तो वन का कोई प्रोनाउन नहीं होगा, तो आपको वन ही लिखना है, और इसमें आर के साथ आपको धैर्य दिया गया है, तो आपको धैर्य ही सब्जेक्ट के फॉर्म में दिया गया है, तो आपको धैर्य लिखना है। आर का आरंट हो जाएगा और आरंट है। क्वेश्चन मार्क एंड लास्ट एंड डेथ लैंग लेट्स लीव राइट नाउ। चलो यहाँ से हम राइट नाउ पर चलते हैं, तो लेट्स लीव ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको पता है यूज करना है आपको आई एन वी के साथ सेल, और नेक्स्ट में आपको सेल के पास लिखना है वी। क्यों वी? क्योंकि ये जो लेट लेट्स तो उसमें अस है, उससे कंबाइन की अलग हो जाता है, वो दोनों अलग अलग है, तो अस का मेन वर्ब हो जाता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे वी, तो अस का सब्जेक्ट हमें लिखना है सेल वी, आपका आंसर राइट आंसर सेल। तो यहाँ पे आपके एक्सरसाइज नंबर फोर क्वेश्चन टेक में भी कंप्लीट होती है, और यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट होता है। गुड बाय। Thank you.